मसूद यहाँ पर क्या कर रहा? शमा के भाई का पक्का दोस्त है। बहुत बुरे हो तुम। जब कभी मिलते हो नजरों से मोहब्बत भरे पैगाम देते हो, अगर तुम्हारे जज्बे सच्चे हैं तो मुझसे मिलकर प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देते? 5 साल से तुम्हारे इश्क की आग में जल रही हूं, पता नहीं तुम कभी इजहार करोगे भी या हम सदा ऐसे ही गूंगी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। जी, याद दिलाने का शुक्रिया वकील साहब, बस मैं निकलने ही लगा हूं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, बस अब बात आपके दलाइल पे आके खत्म होनी है। देखिए वकील साहब, मैं अर्ज करूं, बात इतनी है कि अब ये जो प्लॉट है ना, ये मेरी जिद बन चुका है। कोई भी शख्स मुतनाजिया प्लॉट मुझ जैसे आदमी को बेचकर बच तो नहीं सकता ना। हाँ चलिए ठीक है, बस मैं आ रहा हूं, खुदा हाफिज। हाँ, मुतनाजिया प्लॉट, दोहरे कागजात वाला, वो भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, अदालत के काम तो चलते ही रहते हैं आपा जी, आपसे मिलना इससे ज्यादा जरूरी है। बस मैं अदालत से फारिग होते ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूं। क्या? अच्छा चले, ये शौक भी आप पूरा कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है, खाना मेरी पसंद का होगा। ओके, अच्छा खुदा हाफिज, बस मैं आता हूं। अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम आपा जी। जी दे रहो बेटा। कहाँ है शाहिना? कहाँ है साहब जी? वो तो सो रही है। सो रही है? क्या उसे पता नहीं था कि मैं जाने वाला हूँ? उन्होंने तो मुझे रात ही को ताकीद कर दी थी कि मैं उन्हें उठा दूं। अभी मैं उठाने के लिए गई तो कोई जवाब नहीं मिला। आप कहें तो मैं बुला कर ले आऊं? नहीं नहीं नहीं, नींद खराब ना करो उसकी, सोने दो उसे। और मैं कौन सा कोई 2-4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ भाई, शाम तक आ जाऊंगा इंशाल्लाह। हेलो, क्या ये मुझे बता रहे हो कि मैं टक्कर न लूं? बहुत बड़ी पार्टी है वो। अरे उन्हें बताओ कि वो ये, हाँ ये फ्रॉड कागजात बना के किसके हाथ प्लॉट बेच बैठा है। हाँ हाँ, मैं डरने वाला नहीं हूं आज। अच्छी गुस्से ना करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा खामखा। अरे गुस्से वाली बात नहीं है, यानी मुझे बता रहा है कि मैं मोहताज रहूं। आदिल की अचानक मौत ने
सारी जिम्मेदारी आपके नातवा कंधों पर लाकर डालती, वरना आपकी ये उम्र काम करने वाली नहीं थी। हाँ बेटा, जवान बेटे की मौत ने अंदर से तोड़ के रख दिया है मुझे, लेकिन खैर मैं अभी इतना कमजोर नहीं हुआ हूं कि इस बोझ को ना उठा सकूं। अच्छा बेटा, नाश्ता? नहीं, देर हो जाएगी, मैं चला। खुदा हाफिज़। ख्याल है कि मैं शाहिना को एक नजर देख लूं, मेरा दिल नहीं लगेगा, है ना? तेरी उम्र के सारे दोस्त ना दो दो बच्चों के बाप बन गए, और तू देख अब तक कवारा बैठा, पता नहीं कब घर बसाएगा। अरे अम्मा, ऐसी लड़की लेकर आऊंगा कि दिन फिर जाएंगे मेरे। लेकिन वो जो खाला मुमताज है ना, उनका बेटा आया है ना। मकसूद, सौदागर बन गए थे हम, सौदागर बन गए थे हम। हाँ? ये क्या हरकत है? मैं ये देखना चाह रही थी कि मेरे अब्बा जी मुझसे मिले बगैर ही चले जाते हैं या नहीं, और देखा आप जा रहे थे ना। अरे बेटा, मैंने सोचा कि अपनी बच्ची की नींद क्यों खराब करूं। अच्छा, और आपने ये नहीं सोचा कि आप पूरे दो दिन के लिए जा रहे हैं, और ये दो दिन मेरे कैसे गुजरेंगे? तो फिर मेरे साथ नाश्ता करना चाहिए था ना। अब देखो ना, मैंने अकेले नाश्ता किया। वो अब्बा जी उठते उठते देर हो गई ना। अच्छा, ये कौन लेटा है? ये भी मैं हूँ। तुम हो? ओह माय गॉड, अगर मैं चादर उठा के देख लेता और तुम्हें ना पाता तो मेरा दिल बंद हो जाता कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। अब्बा जी, आपने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको बताए बगैर कहीं जाऊंगी? तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता बेटा मैं। दरअसल मैं तुम्हारे हवाले से कोई धचका ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो ना, अगर मैं देखता कि तुम यहां मौजूद नहीं हो तो मेरे ख्याल कैसे आता कोई। अब्बा जी, आप मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? बेटा, इस सवाल का जवाब तो पिछले 24 साल से मुझे खुद भी नहीं मिला है ना। चल, आपको बाहर तक छोड़ दूं? आओ, आओ। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूं। देखो, तुम अपना ख्याल रखना है। शहनाज, तुम भी इसका ख्याल रखना, खास तौर पे इसके खाने पीने का। ये खाने के मामले में बड़ी चोर है। जी अब्बा जी, आप हारून से भी मिल लेते ना, वो सुबह उठती आपका पूछने लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे रहने दो, वो मेरे साथ जाने की जिद करेगा। मैं कहाँ बच्चे को बहलाता रहूंगा, वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। जीती रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा शहजादे जैसा नवासा है, है? देखो 12 साल का है और 12 साल में कुरान भी खत्म कर लिया। नानी, मुझे खत्म कुरान की खुशी में इनाम तो मिलेगा ना। लालची, अरे क्यों डांट रही हो तुम इसे? मेरा नवासे ने इतना बड़ा काम किया है इतना सा होकर, और उसको देखो, मेरे बच्चे को निकट्टू को, है इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक उसने कुरान खत्म नहीं किया। मकसूद भाई, और नहीं तो क्या, उसी की बात कर रही हूँ। अरे मेरे पास है ना बस यही 500 रुपए हैं, तू इसी में ऐश कर बेटा, ले।
शुक्रिया नानी, अब मैं आइसक्रीम खाने जाऊँ। हाँ बेटा, खुद भी खाओ और अपने दोस्तों को भी खिलाओ। जाओ। शुक्रिया नानी। पूरे मोहल्ले में बांटो, खूब बिगाड़े अम्मा, खूब बिगाड़े इसे, हमें तो कभी नहीं दिया ऐसे पैसे। अरे बिगाड़ने की क्या बात है, तुझे याद है जब तू उम्मीद से थी ना, तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ मेरी राजदा को सबसे पहला बेटा ही देना, और देखा अल्लाह ने मेरी सुन ली। हाँ अम्मा, ये तो है। आपको याद है एजाज भी कितने खुश थे? हाँ भाई, खुश तो होना ही था ना उसने, कि उसका बाजू जो उसे मिल गया था। और मैंने हर किसी को मिठाई बांटी थी, सारे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। है इस बार भी मैं सबको मिठाई बांटूंगी, सारे मोहल्ले में, सारे रिश्तेदारों में, बल्कि खुद जाऊंगी देने। और हाँ, इस्मा के घर तो मैं मकसूद को ही भेजूंगी। इस्मा का रखी है? क्यों, क्यों का क्या मतलब है भाई? वो मेरे सगे चचा की बेटी है, अब वो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी निशानी तो है। निशानी है तो, पर बहुत टेढ़ी निशानी है। दिमाग देखे, 1 किलो मिठाई का डब्बा हमारा, उनकी नजरों में क्या समाएगा? अरे समाए या ना समाए, लेकिन सजावल भाई जैसे अमीर लोगों को बार बार ये याद दिलाना चाहिए कि हम भी उनके रिश्तेदार हैं। अम्मा मैं जा रहा हूँ। अरे बात सुन, बात सुन, कहाँ जा रहे? अरे अम्मा एक दो जरूरी काम है वो करने हैं। तेरे और जरूरी काम, मैं सब जानती हूँ, आवारा दोस्तों में बैठेगा जाके। अरे अम्मा फिर रेडियो शुरू, क्या करूँ घर में चूड़ियाँ पहन के बैठ जाऊँ? मैंने कब कहा कि तू चूड़ियाँ पहन के बैठ जा, अरे लड़कों वाले काम कर। तेरी उम्र के सारे दोस्त ना दो दो बच्चों के बाप बन गए, और तू देख अब तक कवारा बैठा, पता नहीं कब घर बसाएगा। अरे अम्मा ऐसी लड़की लेकर आऊंगा कि दिन फिर जाएंगे मेरे, तो देखना पूरे इलाके में सब मुझे सेठ मकसूद कहके पुकारेंगे। तो ले आना ऐसी लड़की, जल्दी से तेरे दिन फिर जाए। तो मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि वाकई लड़की लानी पड़ेगी। अब ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर और जा जाके मुझे सौदा ला दे। हेलो क्या हो गया है सेठ मकसूद, अब दो दो टके की दुकानों पे जाके सौदा सलफ कर ठकरेगा? नहीं, सेठ मकसूद नहीं जाएगा, उसका बाप जाएगा। लुगाओ एक। अच्छा भाई काम कर, मुझे ना खालू सजावल के घर छोड़ा, मुझे वो एजाज ने खत्म कुरान किया है ना, तो मिठाई देने जाना है। खालू सजावल की तरफ? क्या बात है, उनके नाम पे तेरी बातें क्यों कर रहा है? अरे रिश्तेदार हैं अपने, इतना प्यार करते हैं मुझे। हाँ रिश्तेदार तो है। एक काम करना अम्मा, तू मिठाई मुझे दे दे, मैं जा ही रहा हूँ तो उस तरफ भी चक्कर लगा लूंगा। सब समझती हूँ, मैं लाती हूँ मिठाई दे रही। खालू सजावल, मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, कल शाम को ही खाऊंगा। थोड़ा सा तो खा ले। हारून क्या बात है बेटा, सारी चीजें तो आपकी पसंद की बनी। हाँ चलो छोड़ दो बख्ता, मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाऊंगा। चलो मैं नहीं खाऊंगा आपसे, तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। क्यों क्या किया मैंने? आपने उससे झूठ बोला था। मैंने? दादा आज जाएंगे, लेकिन चौकीदार बताया कि वो चले गए, कल आएंगे। बेटा दादा को अदालत जाना था ना, तो फिर हम उससे मिलकर क्यों नहीं गए? हारून मियां आप सो रहे थे इसलिए नहीं पूछा आपसे। दादा को मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। मिलकर जाना चाहिए था क्या मतलब? भाभी जी अगर सेठ साहब हारून मियां से मिलकर चले जाते तो सही था। अरे उन्हें जल्दी थी, शायना बीबी से भी तो मिलने के लिए उनके कमरे तक गए थे, अगर 2-4 मिनट हारून मियां को दे देते तो क्या जाता। अरे शाहिना उनकी लाडली बेटी है, और आदिल के बाद वो उसके लिए और भी हसास हो गए। भाभी जी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, हारून मियां भी तो इस घर के इकलौते मरहूम बेटे की निशानी है, और हारून मियां ही से इस खानदान की नस्ल चलनी है। एहसास दिल से उठता है। आपका मतलब है सेठ साहब हारून मियां से प्यार नहीं करते? ओह करते हैं, लेकिन इसका नंबर शाहिना के बाद दूसरा है। और तुम अब ये बातें बनानी बंद करो, बर्तन उठाओ सारे।
शायना बीबी, शायना बीबी उधर भाभी बुला रही है, वो आए वो। बख्ता, कितनी बार मैंने बोला है कि आराम से आया करो और दरवाजा नॉक करके आया करो, तुम्हें समझ ही नहीं आती। माफ कर दीजिए, लाए मैं आपके नाखून काट दूं? रहने दो, शाम में ज़ैनब की मेहंदी पे भी जाना है, नाखून ही टूट गया मेरा। और कौन सा कोई गवर्नर आया जिसको सलाम करना जरूरी था? गवर्नर तो नहीं आया जी, लेकिन वो आपके रिश्तेदार है ना, वो तो भाभी बुला रही है। भाभी किस मरज की दवा है, वो जाके सलाम कर लेना। वो तो वहाँ बैठी हुई है, लेकिन वो जो खाला मुमताज है ना, उनका बेटा आया है ना। मकसूद जी, वही तो मैं कह देती हूँ आप मसरूफ है। अच्छा सुनो जी, वो बशीर से कहना गाड़ी निकाले, मैं गाड़ी सीखूंगा। गाड़ी निकाले, और भाभी जी से क्या कहूं? छोड़ो भाभी जी को, जो मैं कह रही हूं ना वही करे। बस बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से खाला मुमताज को बहुत बहुत मुबारकबाद देना, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी चक्कर लगाएंगे। अरे छोड़े, आप कह देती हैं मैं चक्कर लगाऊंगी, उसके बाद आप चक्कर दे देती हैं हमें। मुझे याद है कि मेरे ख्याल में राशिदा की शादी थी जब आप आखिरी मरतबा आई थी। चक्कर तो तकदीर ने दे दिया भाई, आदिल की अचानक एक्सीडेंट में मौत, पहले इद्दत, फिर अब घर से बाहर निकलना ही नहीं होता, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हारून बाप के बगैर परेशान है, उसको भी संभालना पड़ता है। अरे हाँ, मैं बल्कि जहन से ही निकल गया। कैसा है हारून, ठीक है? शरारती हो गया होगा ज्यादा। यही है, बख्ता के साथ पीछे गार्डन में गया है, जानवरों को देखकर खुश हो जाता है। माशाल्लाह। और वो खालू, उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है। कहाँ है? घर पे ही है? नहीं, वो अब्बा जी गए हैं प्लॉट के सिलसिले में, कोई काम था। और हाँ हेलो, वो अपनी शाहिदा नजरियान खालू जान के साथ गई थी? नहीं नहीं, अब्बा जी के साथ नहीं गई, अब्बा जी तो प्लॉट के सिलसिले में किसी से मीटिंग थी, वहां गए। कमरे में है शाइना, बुलाकर लेकर आओ। नहीं नहीं रहने दे, मैं इंशाल्लाह फिर लगा लूंगा चक्कर। अच्छा, चाय तो पी ले। अरे बस अभी आते हुए वो जूस पिया था रास्ते में। चलो ठीक है। बशीर। हेलो। अरे यार, आप कब आए? मैं तो बस अब जा रहा था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों? वो बख्ता को मैंने कहा था कि आपको पैगाम दे दे। हाँ बख्ता कुछ कह तो रही थी, वो दरअसल मैं अपने नाखून फाइल कर रही थी और उसके अचानक आने से फाइल करते करते मेरा नाखून नीचे गिर गया, उसको डांटने लगी, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। यानी कि आपके नाखून की आपको इतनी फिक्र थी कि आपने किसी गरीब की सुनी भी नहीं? अब देखे ना मेरे नाखून कितने बुरे लग रहे। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आपको श्रृंगार की जरूरत है, तो हाथ ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। तारीफ में इतने आगे जाने का हक नहीं है आपके पास। भाई जी, मैं आपको गाड़ी सिखा दूं? मुझे किसी के सबक सिखाने की जरूरत है, मैं हर काम अपने जोरे बाजू पर करूं। तुम जाओ। वैसे कुछ जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर गाड़ी लग गई तो। क्यों लगेगी? मैं हर काम बहुत सोच समझ कर करती हूँ, इसलिए मेरा कोई भी काम बिगड़ता नहीं। तो हम सबको सारे काम आपके साथ करने चाहिए, ताकि हमारा भी कोई काम ना बिगड़े। दूसरों की गारंटी नहीं लेती। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि निगरानी कर, निगरानी। वही तो कर रहा हूँ अम्मा। मैं अपने पे निगरानी कह रही हूँ, और दुकानों की निगरानी कर कमबख्त। मैं तो बड़े होके गन चलाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं 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 बेटा, क्या करते हो, तुमने तो मेरे दिल पे हाथ डाल दिया। सौदागर बन गए थे हम, सौदागर बन गए थे हम। सर सीधा रखना, जब देखो ऐसी मुंडिया हिलती रहती है। अरे क्या कर रही है? बाल बना रही हूँ इसके,
इतनी बड़ी हो गई बाल बनाने भी नहीं आते। कहाँ है रबर बैंड? अम्मा ये मकसूद भाई इतने खुश क्यों हैं? लॉटरी लग गई है क्या उनकी? अरे अल्लाह मेरे मकसूद को हमेशा खुश रखे, इस तरह टोका नहीं करते। आमीन, अल्लाह बहुत खुश रखे, खुशियाँ दिखाए, लेकिन उस खुशी का राज क्या है ज़रा पता तो कर लें। अरे जब से सजावल भाई के घर गया था ना, बस वहाँ से आया है तो खुशी खुश है, बस अल्लाह मेरे बेटे के नसीब खोल दे। जी अम्मा कुछ ज़्यादा ऊंचे ख्वाब नहीं देख रही आप? ख्वाब तो हमेशा ऊंचे ही देखने चाहिए, छोटी तो सोच होती है। वैसे है तो मकसूद भाई मेरे भाई, मगर अल्लाह माफ़ करे इतने खुश होते हैं वो लड़कियों की महफिल में ओछे कहीं के। अरे शायना कोई आम लड़की नहीं है। यही मैं समझा रही हूँ आपको, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो वैसी लड़की है, सेठ सजावल की इकलौती बेटी, छन्नी लेके छानेंगे वो लड़के को उसके लिए। अरे तो मेरे बेटे में कौन से है वह है? वो तो खुद शादी के लिए इनकार करता रहा, वरना तो मैं लड़कियों की लाइन लगा देती। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह लाखों में एक है मेरा बेटा, शक्ल सूरत का भी बहुत प्यारा है। इन दो खूबियों के अलावा कोई और खूबी है मकसूद भाई में अम्मा? यही दोनों खूबियां गिनती रहेंगी हर वक्त? बस शाहिना मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है अम्मा। मकसूद भाई के पास क्या है? अब्बा की छोड़ी हुई चंद दुकानें, उनका किराया जो आता है ना, मुश्किल से उससे साल भर का खर्चा निकलता है। कड़क कपड़े पहन के घर से ऐसे निकलते जैसे कोई बड़े फैक्ट्रियों के मालिक लगे हुए हों। राजदा राजदा तू सगी बहन है। जाओ अम्मा, सगी बहन इसीलिए समझा रही हूँ कि कोई सीधी सादी लड़की देखकर ये मामला निपटा दीजिए। कौन उठाएगा उसके नखरे? मैं? आप ये मकसूद? कोई कुछ भी कहे, शोहर मजाजी खुदा होता है। अम्मा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि सेठ सजावल हम जैसों के साथ अपनी बेटी का रिश्ता क्यों करेंगे? लेकिन अगर ये बातें सोचकर आपको या मकसूद भाई को खुशी मिलती है तो बस अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, मनाए खुशियाँ। कभी मुंह से अच्छी बात भी निकाल लिया कर कमबख्त, हर वक्त जली कुड़ी बातें करते रहते। ओ भैया हकीकत बताओ तो जली कुड़ी। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आपको श्रृंगार की जरूरत है, तो हाथ ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। अच्छे कपड़े पहनकर बैठने से गर्दन अकड़ाकर कोई सेठ नहीं बन जाता। ओ मेरी भोली माँ, सेठ बनते नहीं हैं, सेठ होते हैं बाय बर्थ, पैदाइशी। ए हाय, ये जो तू घिटपिट करके बोलता है ना, मेरे समझ में नहीं आता, सीधी सीधी बात का। अरे माँ एक दिन सेठ भी बन जाऊंगा मैं, और इंशाल्लाह तू देख लेना इस घर के बाहर बोर्ड लगा होगा बड़ा बड़ा, सेठ मकसूद विला। विला नहीं वेला, निखट्टू। अब कौन सा वक्त आने वाला है, हैं? इतनी उम्र गुजर गई तेरी शादी की, अब मैं रिश्ता लेने जाऊं तो क्या कहूं लोगों से, हजार बातें सुनने को मिलती। अम्मा ये कोई फिक्र की बात है क्या? तूने सुना नहीं अम्मा, घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। इंशाल्लाह जब मैं किसी लड़की को शादी का कहूंगा ना, तो वो इतना सा सवाल भी नहीं पूछेगी मुझसे। मैं संजीदा बात कर रही हूँ और तुझे मजाक सुधर रहा है। मजाक कौन कर रहा है? हेलो, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। देखना अम्मा किस चीज की कमी है, अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुकानें हैं, इज्जत है, किराए आते हैं, हम घर में सुकून से बैठ के खाते हैं, ये भी अल्लाह ने बड़े कम लोगों के नसीबों में रखा है। यही तो मैं कह रही हूँ,
कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास दुकान है तो इज्जत है और तू हजाराम बन के बैठा हुआ है। क्या चाहती है अम्मा, क्या करूं? सारी दुकानें खाली करवा लूं और खुद सेल्समैन बन के वहां बैठ जाऊं, ये चाहती है? अरे तुझसे तो ये भी नहीं होगा। अब बस कर दे अम्मा। चुप कर जा निखट्टू कहीं का। मैं तुझे कह रही हूँ कि जितना पैसा आता है दुकान का अपने शोशा में उड़ा देता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि निगरानी कर, निगरानी। वही तो कर रहा हूँ अम्मा। मैं अपने पे निगरानी कह रही हूँ और दुकानों की निगरानी कर कमबख्त। दो मिनट घर में बैठ जाओ, ताने देने शुरू कर देते। अब्बा जिंदा होते तो क्या? अब्बा, अब्बा याद आ गया। अब्बा होते तो मैं भी ना कहती कुछ, वो खुद ही संभाल लेता। तेरी वजह से ही मरे। और तेरी वजह से मरे। अब्बा जी, मैंने आपसे फोन पे भी कहा था कुछ मत लाइएगा मेरे लिए। बेटी, वो तुम्हारा फैसला था और ये मेरी खुशी है, हैं? अरे भाई, खाली हाथ घर कैसे आता मैं? खाली हाथ? मुझे तो लग रहा है कि आप कोर्ट में हाजिरी लगाने नहीं बल्कि शॉपिंग करने गए थे। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, ये चीजें तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शहनाज, ये लो, ये तुम्हारे लिए कपड़े। थैंक यू सो मच अब्बा जी। अगर आदिल आज जिंदा होता तो ये सब देख के कितना खुश होता। अरे प्लीज भाभी, अब रोइएगा मत। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतने उदास हो? ओहो, ये तो लगता है कि कुछ नाराजगी वाला सिलसिला है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आओ, यहाँ बैठो। हारून बेटा, देखो ये तुम्हारे लिए है एक जीप, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए है जहाज, ओके, और ये है एक कार। इस कार में तुम्हारे साथ बैठेगी तुम्हारी मामा और पीछे बैठेगी तुम्हारी फूफो। नहीं, मैं फूफो को नहीं बैठाऊंगी। है? क्यों भाई, क्यों नहीं बिठाओगे? आपके लिए तो पहले इतने सारे गिफ्ट आ गए। ओह, जेलसी। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे लिए ये जो कपड़े और ज्वेलरी आई है ना, ये सब तुम ले लो। जी नहीं, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं तो बड़े होके गन चलाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं 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 बेटा, क्या करते हो, तुमने तो मेरे दिल पे हाथ डाल दिया। गन से नहीं खेलते, बुरी बात। अब्बा जी, ऐसे क्या देख रहे हैं इसको, आपकी बेटी वैसी की वैसी है। हाँ बेटा, बस ध्यान किसी और तरफ चला गया था। मैं भी यही देख रही हूँ, आपने तो अभी तक खाना भी नहीं डाला। बेटा, शाम को ना चाय के साथ कुछ बिस्किट विस्किट खा लिए थे तो कुछ ख्वाहिश नहीं हो रही। शहनाज, मेरे पीछे सब खैरियत रही ना, वो मैनेजर हिसाब दे गया था? जी अब्बा जी, वो हिसाब दे गया था और किसी टेंडर वगैरह की बात कर रहा था, तो मैंने कहा ये बात वो आप ही से करें। और कोई आया गया? नहीं। हाँ, वो आया था, क्या नाम है उसका, मुमताज, वो खाला मुमताज का बेटा, क्या नाम था, मकसूद। मकसूद आया था आमीन की मिठाई लेकर, तो मैंने कहा कि मुबारकबाद के लिए हम चक्कर लगाएंगे। और हाँ अब्बा जी, वो भी आया था, वो नहीं था हमारा पुराना मुलाजिम, क्या भला सा नाम था उसका, बताओ ना शाइना। मुझे क्या पता, मैं सबके नाम थोड़ी याद करती फिरती हूँ। अरे वो रहीम तो नहीं था? जी अब्बा जी, रहीम। वो आया था, जसजा उधार मांग रहा था, बेटी हुई है ना उसकी पांचवी, ऑपरेशन वगैरह पे खर्चा हो गया। पहले तो मैंने मना किया लेकिन फिर बाद में मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो दे देती हूँ, कह रहा था तनख्वाह मिलेगी तो वापस कर दूंगा। अच्छा किया तुमने दे दिए बेटा, देखो दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। वापसी का तो आप छोड़ ही दें भाभी, पिछले साल भी उसकी बेटी फौत हो गई थी ना, इस साल फिर बेटी हो गई, भाई सबक करके आराम से बैठ क्यों नहीं जाता? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते,
देखो ना, इंसान अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर होता है, और जहां तक रकम की वापसी का सवाल है तो बेटा रकम चाहे अपने पास हो या वो दूसरे को दे दी जाए, वक्त पड़ने पर हमेशा काम आती है। अब्बा जी, आप इस वक्त लॉन में क्यों बैठे हुए? मुकदमे की वजह से परेशान है? अरे नहीं बेटा, मुकदमा तो हम इंशाल्लाह जीत ही जाएंगे। तो जब आप इतने पूर्व उम्मीद हैं तो टेंशन किस बात की है? आप तो रात को 9 बजे सो जाते हैं ना, और आज थके हुए भी हैं। कोई और मसला है क्या? बस बेटा, मैं शाहीना के रिश्ते की वजह से परेशान। शाहीना का रिश्ता? शाहीना को रिश्तों की क्या कमी है अब्बा जी? कभी आपको कोई पसंद आ जाता है तो फिर शाहीना उसको रिजेक्ट कर देती है, इतनी सी बात है। हाँ बेटा, आज मैं गया था आपा जी की तरफ, उन्होंने अपनी ससुराल के कुछ रिश्ते बताए। ये अदालत जाने का तो सिर्फ बहाना था, अंदर खाने तो मुझे रिश्ते देखने थे। तो अब्बा जी, आपने तो कोई जिक्र तक नहीं किया, फिर पसंद आया कोई रिश्ता? खानदान के थे या बाहर के थे? नहीं, एक तो डॉक्टर है, बाहर रहता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और दूसरा है जिसका लेदर का बिजनेस है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, मैं अपनी बेटी को अपनी नजरों से दूर किसी दूसरे मुल्क में नहीं भेज सकता। वो तो दूसरा लेदर वाला था, वो उसकी शक्ल माटी है। आप मर्द होकर ऐसी बात कर रहे, मर्द की शक्ल कौन देखता है? बेटा देखना पड़ता है, तुम तो जानती हो ना कि शाहीना कितनी हुस्न परस्त है। अरे वो तो मामूली डिजाइन के जूते तक नहीं पहनती। जूता? अब्बा जी, हम तो दामाद को पसंद करने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, दामाद, सेठ सजावल का दामाद, शाहीना का शौहर, वो कोई मामूली आदमी नहीं होना चाहिए, मुकम्मल लड़का चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कोई चीज मुकम्मल नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चले अब्बा जी, चलकर आराम कर लें। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। साहब जी, चाय। कैसी हैं बख्ता जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दांत क्यों निकल रहे? बाजी जी, मखसूस आप बात ही ऐसी करते कि हंसी नहीं रुकती। चीनी? अरे जितनी बस आप पीती हैं उतनी डाल दीजिए। मैं तो फीकी चाय पीती हूँ। मुस्कुराती भी कम है और जिंदगी में मिठास भी आपने कम कर दी है, क्यों? किसने कहा कि मैं कम मुस्कुराती हूँ? अरे जब भी आपका ध्यान आता है, वही संजीदा चेहरा, वही दो टोक जुमले बोलने वाला चेहरा। आपको मेरा ध्यान भी आता? हाँ, एक बार मुलाकात हो जाए तो 2-4 दिन आता है, सुबह, दोपहर, शाम। और बाकी के दिन? बाकी के दिन बस
यही सोचता रहता हूँ कि इस बार मुलाकात होगी तो आपसे कहूंगा कि शाहीना मुस्कुराया करो, अच्छी लगती है।